पाकिस्तान की जनता के अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। कम से कम पाकिस्तान की नई नवेली सरकार के पेट्रोलियम मंत्री गुलाम सरवर के इशारों से तो यही लगता है। जी हां, पाकिस्तान की सरकार ने डीजल की कीमतों में 17 रुपए तक की कटौती करने के संकेत दिए हैं, जिससे पाकिस्तान में जरूरत वाली कई चीजों की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीदें हैं। पाकिस्तान मीडिया की माने तो प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार की योजना डीजल की कीमत घटाकर पेट्रोल के बराबर करने की है। इस मामले पर पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री गुलाम सरवर ने कहा कि संघार में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। पाकिस्तान का नया नेतृत्व तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन के काम में तेजी लाने पर काम करेगा। आपको बता दें कि अगस्त में पाकिस्तान में डीजल की कीमत करीब 113 रुपए प्रति लीटर चल रही है, जबकि पेट्रोल के दाम करीब 100 के आसपास हैं। ऐसे में जाहिर है कि अगर पाकिस्तान की सरकार डीजल की कीमतों में गिरावट ला पाई तो यकीनन पाकिस्तानी जनता के अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है।